इन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये चार सीक्वेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम सीक्वेंसेस सीरीज ही क्यों है, क्या अंतर होता है सीक्वेंस में और सीरीज में। जब हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें कोई पैटर्न होता है और उन्हें हम कॉमा लगा लगा के लिखे तो सीक्वेंस है, प्लस या माइनस लगा के लिखे तो सीरीज मानी जाती है। सीरीज मतलब कनेक्ट कर देना, कॉमा मतलब सेपरेट कर देना। तो कॉमा सेपरेटर है तो वो सीक्वेंस है। टर्म बाय टर्म हम ऑब्जर्व करते हैं, जब इन्हें हम प्लस माइनस की तरह लगातार एक साथ देखते हैं, कनेक्टेड फॉर्म में देखते हैं, तो ये हमारे लिए सीरीज है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है। स्टार्टिंग में हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेटर ऑन सीरीज के बारे में। एपी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर जिस तरीके से एपी होती है, एपी वो होती है जिसमें नेक्स्ट टर्म आपकी सेम चीज को प्लस या माइनस करने पे आती है। जैसे 2 प्लस होता चला जाए, 3 माइनस होता चला जाए, तो ऐसे जो होती है वो आपकी एपी होती है। जीपी में क्या होता है, जीपी में हम लोग किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते जाते हैं या डिवाइड करते जाते हैं। ओके, तो आप देखो जैसे पहले 2 था, 2 की मल्टीप्लाई करी, फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की मल्टीप्लाई। तो क्योंकि एक ही नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए ये आपकी जीपी है। और जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए कहते हैं, और नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है उसे ही हम कॉमन रेशियो कहते हैं। रेशियो इसलिए कहते हैं, रेशियो का मतलब होता है अपॉन। तो जीपी में होता क्या है, एपी में करते थे यार दिस माइनस दिस, जीपी में करते दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, अपॉन करते हो तो रेशियो बन गया, और वो सब में सेम आता है इसलिए उसे हम कॉमन रेशियो कह देते हैं। आप देखो 8 अपॉन 4 करेंगे 2 आएगा, 16 अपॉन 8 करेंगे 2 आएगा, 32 अपॉन 16 करेंगे 2 आएगा, सब में 2 आता चला जाएगा क्योंकि ये सब में कॉमन है, सेम है, इसलिए कॉमन रेशियो है। नेक्स्ट में देखो 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम कहेंगे ये तो आपकी जीपी है ही नहीं। नेक्स्ट में देखो फिर क्या हुआ, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस थ्री की, फिर किसकी मल्टीप्लाई हुई, माइनस थ्री की, क्या फिर माइनस थ्री की मल्टीप्लाई हुई, नहीं, क्योंकि माइनस थ्री की मल्टीप्लाई होती तो यहाँ 51 नहीं 81 आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी आपकी जीपी नहीं है। समझ में आई बात। इसके बाद देखो आप इसमें अपॉन में 10 की मल्टीप्लाई, 1 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई, 1 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये सीक्वेंस आपकी जीपी है, जीपी है। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, 1/40, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, राइट अपॉन लेफ्ट, कितना आ गया 1/10। समझ में आई बात, ओके बिल्कुल। नेक्स्ट अब ये कहते हैं कि 2 जीपी बनाओ अपनी मर्जी से जिनकी फर्स्ट टर्म क्या हो, 3 हो, और कॉमन रेशियो अपनी मर्जी का। तो आप दुनिया में कोई भी कॉमन रेशियो ले सकते हो पर 1 नहीं ले सकते, ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट आप कॉमन रेशियो 1 नहीं ले सकते। सपोज आपने 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो बन गई आपकी जीपी, ये आपकी कौन सी जीपी है, जीपी 1। फिर बारी किसकी आ रही है, जीपी 2 की। तो आपने फर्स्ट टर्म तो लेनी है 3, फिर 3 की से डिवाइड करा तो 1 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करा 1/3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करा 1/9 आएगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। क्या ये आपकी जीपी है। अब देखो यहाँ पे आपने कॉमन रेशियो कितना लिया था, 2, और नेक्स्ट टाइम कॉमन रेशियो आपने कितना लिया, 1/3, ओके। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 2 तरह के कॉमन रेशियो पाए जाते हैं, एक जो 1 से बड़े होते हैं और एक जो 1 से छोटे होते हैं। इनके बारे में भी एक डिस्कशन बाद में किया जाएगा। अब आपको 2 जीपी बनानी है जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी चॉइस की है और कॉमन रेशियो इन्होंने दिया है 4। तो चलो हमने 1 ले लिया, एक बार माइनस 1 ले लिया, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4, 16 एंड 64 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -16 -64 एंड सो ऑन, ओके।